हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी नॉइस की स्मार्टवॉच को नॉइस के ऐप से कनेक्ट करोगे। तो पहले मैं सेटअप करके दिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ डालना है नॉइस। तो यहाँ आपको ऐप मिल जाएगा नॉइस हेल्थ एंड फिट ऐप। तो नॉइस हेल्थ एंड फिट ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया था, तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो आपको कुछ ऐसा लोगो देखने मिलता है नॉइस के ऐप का, और यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको आपके गूगल के अकाउंट से साइन करना है। जैसे ही गूगल पे क्लिक करोगे आपके पूरे अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी, आपको बस अपने एक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने अकाउंट पे क्लिक कर लिया था। अभी आपको लोकेशन पे वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करना है, इसको अलाउ कर देना है और इसको ओके कर देना है, और ब्लूटूथ को भी टर्न ऑन करना है। तो यहाँ ब्लूटूथ लोकेशन सब ऑन हो चुका है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी यहाँ वॉच फाइंड हो चुकी है अल्ट्रा 3। नोटिफिकेशन को मैं अलाउ करूँगा और आप देखोगे तो अल्ट्रा 3 अभी कनेक्ट हो रही है फ़ोन से, और यहाँ आपको वॉच पे करना है यस, क्लिक यस करना है, और अभी ये स्टार्ट यूजिंग पे आपको वॉच पे क्लिक करना है। वॉच खुल जाएगी और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ आपको आपकी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, और अभी ये डिवाइस का पूरा डाटा जो है वो वॉच में जा रहा है। तो टाइम वाइम सेट हो चुका है, वॉच पूरी तरीके से सेटअप हो चुकी है। तो यहाँ वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुकी है ऐप से। तो आप देख सकते हो कि जो वॉच है वो कनेक्ट हो चुकी है ऐप से पूरी तरीके से। माई डिवाइस पे आप जाओगे तो यहाँ वॉच कनेक्ट हो चुकी है, पर अगर आपको रेगुलर यूज़ के लिए कनेक्ट करना है तो बस अभी सिंपली मैं डिसकनेक्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ देखोगे तो अभी वॉच डिसकनेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए रेगुलर यूज़ में जब कनेक्ट करोगे, अभी सेटअप तो हो चुका है, पर अब आपको रेगुलर यूज़ के लिए कनेक्ट करना है तो बस आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है ताकि वॉच कनेक्ट हो जाए ऐप से रेगुलर यूज़ के लिए। तो अभी यहाँ वॉच फाइंड हो जाएगी, तो ये ऐप अभी ओपन हो रहा है। तो अभी आप देखोगे तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो अब रेगुलर यूज के लिए वॉच कनेक्ट हो गई है बिल्कुल भी। तो अब आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा वॉच की अपडेट्स। आप वॉच को अपडेट कर सकते हो, वारंटी रजिस्टर्ड कर सकते हो, अनपेयर मीन्स वापस डिसकनेक्ट कर सकते हो। वॉच फीचर्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो SMS की या कोई भी ऐप की, और कॉल अलर्ट्स ले सकते हो। मैंने कॉल के बारे में अलग से पूरी वीडियो बनाई है कि आपको कॉलिंग कैसे करनी है अपनी वॉच में। हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो ऐप से, ताकि आप हार्ट रेट देख सको, और ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश, ये सब के आपको रिमाइंडर मिल जाते हैं इसमें। माय अलार्म में आप इसको यहाँ से अलार्म ऐड कर सकते हो। गूगल फिट से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप गूगल फिट यूज़ कर रहे हो अपने पूरे डाटा के लिए, जो भी आप स्टेप्स लेते हो वो पूरा डाटा अगर गूगल फिट में है, तो आप गूगल फिट से भी कनेक्ट कर सकते हो अपनी वॉच को। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट्स, तो आप जैसी ऐड पे क्लिक करोगे आपकी पूरी फ़ोन की डायरेक्टरी खुल जाएगी, और आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो वॉच में, पर इसमें सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे को फीचर पसंद नहीं है कि आप सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, कम से कम 50 कॉन्टैक्ट्स की तो भी कैपेसिटी होनी चाहिए थी। और क्विक रिप्लाई में आप यहाँ से ऐड रिप्लाई कर सकते हो अपने खुद के, या फिर ये सब मिलता है अगर जब आप कॉल आपको आता है और आपको रिप्लाई देना है तो। वेदर सेटिंग्स आप ऑन कर सकते हो जिसमें वॉच में वेदर अपडेट हो जाए। स्टॉक्स मीन्स अगर आप कहीं ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोई भी स्टॉक का डाटा चेक कर सकते हो वॉच पे, पर उसके लिए वॉच कनेक्ट होनी चाहिए और फ़ोन में नेट चालू होना चाहिए, तो ही होगा। वर्ल्ड क्लॉक, आप वर्ल्ड क्लॉक भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी एक कंट्री का वर्ल्ड क्लॉक ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है दुबई। एक्चुअली दुबई की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, तो वैसे ये अबू दुबई है, तो उसकी क्लॉक ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो, ये देखिए वॉच फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ से वॉच को सर्च कर सकते हो। ये इसमें काम आता है कि अगर आपकी वॉच आपको लग रहा है कि कनेक्ट हुई है कि नहीं, तो आप वो चेक कर सकते हो। जो कैमरा का फीचर है वो ऐसा है कि आप जब भी, अब देखिए मैं आप वॉच पर क्लिक करूँगा तो यहाँ फोटो क्लिक होगी, तो आपको या तो शेक करना है फोटो लेने के लिए वॉच को। तो अगर आप वॉच को शेक करोगे तो फोटो क्लिक हो जाती है, पर ये जो फीचर है ये सिर्फ एक
रिमोट के जैसा है कि अगर आप वॉच को शेक करोगे तो यहाँ फोटो क्लिक हो जाएगी फ़ोन में। वैसे कोई भी फीचर यूज़ नहीं करता। फिर यहाँ आप ऐप्स ऐड कर सकते हो, पर ऐप्स अगर आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी ऐप नहीं मिलेगा, सिर्फ यही है जो ऑलरेडी एडेड है। इसमें आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से। फिर स्पोर्ट्स में आप अलग अलग स्पोर्ट्स डाल सकते हो अपनी वॉच में, ऐड भी कर सकते हो, पर आप 10 स्पोर्ट्स से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, आपको एक आधा स्पोर्ट डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगर आपकी वॉच में फॉर्मेट है 24 आवर्स का तो आप उसको 12 आवर्स पे कर सकते हो। ऐप में यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ से आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को चेक कर सकते हो उनका स्टेप का डाटा क्या है। और यहाँ अलग अलग इवेंट्स होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और होम पेज पे आपको पूरे स्टेप्स वेप्स देखने मिलते हैं। शॉपिंग में आप शॉपिंग कर सकते हो डायरेक्ट ऐप के थ्रू ही, और यहाँ से आप डिवाइस की पूरे फीचर्स ले सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ वॉच फेसेस। तो यहाँ वॉच फेसेस की अलग अलग कैटेगरीज है आप देखोगे तो, और आप कोई भी वॉच फेस ऐड कर सकते हो और सेकंड्स में ऐड हो जाता है। जो होम पेज होता है वॉच फेसेस का, वहाँ से टॉप डाउनलोड्स में आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड वॉच फेसेस। ये सबसे पॉपुलर वॉच फेसेस है जो अब तक डाउनलोड हुए हैं इस वॉच में, मतलब इस ऐप में। तो मैं आपको एक वॉच फेस ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं ये वाला वॉच फेस ऐड कर रहा हूँ, तभी वॉच में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे डाउनलोड होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उसको यहाँ से। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, तो अभी डाउनलोड तो हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, पर इसे इंस्टॉल होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है इंस्टॉल होने के लिए टाइम, दूसरी वॉचेज में तो सेकंड्स में हो जाता है। तो यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गई, ये सारी कैटेगरीज मिलेगी यहाँ से। आप ज़्यादा पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो पूरी कैटेगरी स्पोर्ट्स की। और यहाँ दूसरी कैटेगरी है, तो यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ कई सारी कैटेगरीज है, तो आप उसके हिसाब से वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हो अपनी वॉच में। और ये सब ऑनलाइन लोड होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी डालोगे तो नेट ऑन रखना, नेट ऑन नहीं रखोगे तो डाल नहीं पाओगे। अभी यहाँ कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन है, क्रिएट कस्टम वॉच फेस। इसमें आप आपकी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। आपको डिसाइड करना है आपको क्लॉक कहाँ रखनी है, तो मैं क्लॉक को नीचे ही रखूँगा। और यह मैं गैलरी पर क्लिक करूँगा तो गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो ऐड करूँगा, और आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मैं येलो कलर रखूँगा, तो मैं थोड़ा सा अलग कलर रखता हूँ ताकि वो दिखाई दे। तो अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कस्टम वॉच फेसेस जो होते हैं, जिसमें आप आपकी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो, उससे लोड होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी आप देखोगे तो इसको डाउनलोड होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो कि वॉलपेपर ऑलमोस्ट अपलोड हो ही चुका है, अभी ट्रांसफ़र होगा पर एक क्विकली आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो बिल्कुल HD आई है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।